हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जून के सेकेंड वीक की 8 to 15 के लिए। सो लेट्स चेक कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द सेकेंड वीक ऑफ जून। एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, Three of Cups, Seven of Wands. So Taurus, Ace of Pentacles in reverse का मतलब है, हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन हो जिसे आप हमेशा से नेग्लेक्ट करते रहे हो, जिसकी क्वालिटीज आपके हिसाब से ना हो, जो कि हमेशा से आपके नजर में नॉट सो गुड रहा है। बट यहाँ एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे लगता है कि ये इंसान आपके लाइफ में इस वीक में एक लव इंटरेस्ट की तरह उभर सकता है, जिसे आपने सोचा नहीं था कि आप इस पर्सन इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि ये पर्सन जस्ट नॉट अप टू द मार्क था आपके हिसाब से। बट एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप एक्चुअली में इनमें इंटरेस्ट लेते हुए लग रहे हैं, ठीक है। आप इस समय परफेक्शन नहीं खोज रहे हैं, आप इस समय बस खुश रहना चाहते हैं। थ्री ऑफ कप्स के साथ आप ज्यादा जजमेंटल नहीं है, आप बस अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। एंड यहाँ पे फैमिली, फ्रेंड्स एंड जितने भी लोग हैं जिनको भी आप अपने सर्कल का हिस्सा मानते हैं, यहाँ पे एक सेलिब्रेशन दिख रहा है सब लोगों के साथ। यहाँ पे है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। तो ये जो भी पर्सन है या ये जो भी लोग हैं, ये आपकी वैल्यू करते हैं, क्योंकि यहाँ सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप यहाँ दिख रहे हैं इन लोगों को एक ऐसे इंसान की तरह जो हर सिचुएशन में जीत सकता है एंड हर सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, जिसके पास बहुत विजडम है। तो लोग यहां पे आपको एक लीडर की तरह देख रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, एंड यस, वो भी आपके साथ टाइम स्पेंड करने में उतना ही इंटरेस्टेड है जितना कि आप। लोग आपके आसपास रहना चाहते हैं। सो यहां सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ कोई गैदरिंग हो सकती है जिसे आप होस्ट कर रहे हो, या आपके लिए वो चीज की गई हो। शायद ये पर्सन जो कि नॉट सो परफेक्ट है, आपके लिए कुछ ऑर्गेनाइज करे और आप उस चीज से बहुत खुश हो जाए। किसी तरीके का सरप्राइज भी आपको मिल सकता है। एंड ऑफ कोर्स ये जर्नल रीडिंग है टॉरस, और ये रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। रिवर्स एनर्जी भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। अब प्रीवियस वीक की रीडिंग और ईयरली रीडिंग में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज यूजुअल मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Empress, Seven of Cups, Three
सिक्स ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स. Princess of Wands. Okay. So Taurus, पहले आपको कोई सरप्राइज करता है, आप खुश होते हैं, आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं. और फिर है यहाँ कार्ड ऑफ द एम्प्रेस, यहाँ द एम्प्रेस के कार्ड के साथ फिर आपको ऐसा लगता है कि आप ज्यादा दूसरों को दे रहे हैं, आप ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और दूसरा उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है अपने साइड से. पहले आप खुश हैं, सब कुछ है आपके पास, एंड देन फिर आप ये सब ओवर होने के बाद अब फिर सोचने बैठ जाते हैं कि आखिर मुझे दूसरों से क्या बेनिफिट है, मैंने ही दूसरों के लिए ज्यादा किया है या सब कुछ किया है, आप ऐसा फील करेंगे. और फिर यहाँ सिक्स ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स है, यहाँ पे आपके अंदर फिर से किसी तरीके की टेंशन आ सकती है और फिर से आप वही एनालिसिस शुरू कर देंगे जो पहले कर रहे थे. एक अप एंड डाउन की सिचुएशन रहेगी, यस और नो की सिचुएशन रहेगी आपके अंदर टॉरस. यहां पे सेवन ऑफ कप्स है, तो इस वीक में जो भी होगा आपके लाइफ में वो सिर्फ कुछ समय के लिए है, टेम्प्रोरी है. अगर इस वीक में आप किसी को अपने लाइफ में आने भी देते हैं तो शायद वो पर्सन टेम्प्रोरी ही हो. ऑल दो ये सब में डिफरेंट होगा, डिफरेंट केस है क्योंकि ये सिर्फ जनरल रीडिंग है. सेवन ऑफ कप्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आप बहुत थोड़े समय के लिए इस पर्सन के साथ रहेंगे और शायद आप खुद होंगे वो पर्सन जो इसे आगे खत्म कर देगा खुद ब खुद. सिक्स ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप एक ऐसे रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि आप ही ज्यादा दे रहे हैं एंड अपोजिट पार्टी अप टू द मार्क नहीं है, आपका मैच नहीं है. प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप यहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप अपनी मर्जी से चलते हैं, आप अपने हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, अपने डिसीजंस के मालिक दिख रहे हैं इन द सेकेंड वीक ऑफ जून और हैप्पी भी हैं, किसी की आपको परवाह नहीं है. बट स्टिल आपको एक ऐसे पर्सन की तलाश है जो आपसे मैच करता हो और आपके लिए सुटेबल हो. सब कुछ है, आसपास लोग हैं, बट स्टिल आप बैठ के सोच रहे हैं कि आपसे कोई मैच नहीं कर पा रहा या आपके लिए कोई भी कंपैटिबल आपको मिल नहीं रहा. चलिए आपके लिए एक ओरेकल मैसेज भी देखते हैं टॉरस. मैसेजेस फॉर टॉरस फॉर द सेकेंड वीक ऑफ जून. Oracle cards. You are able to discern, answer and guidance for yourselves and others. चलिए ये कार्ड आपका बहुत अच्छा है टॉरस. तो आपको खुद ऑरेकल कार्ड्स से मैसेज लेने को कहा जा रहा है और दूसरे को देने को भी कहा जा रहा है कि आप जो है दूसरों के आंसर का जवाब, सॉरी दूसरों के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं सेकेंड वीक में. अगर आपको खुद के लिए आंसर चाहिए तो आप ऑरेकल्स, टैरो, यहां सब पे आप अपने आंसर खोज सकते हैं, अपने लिए गाइडेंस खोज सकते हैं. और अगर दूसरों को आंसर चाहिए, दूसरे भी आपसे पूछ सकते हैं और आप दूसरों को भी बता सकते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए. आपके अंदर इस वक्त डिवाइन एनर्जी है. सो ये थी आपकी सेकेंड वीक की रीडिंग. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय.